सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स की जो आपको गुलाब जामुन बनाते वक्त फेस करनी पड़ती है। पहली बात, गुलाब जामुन तलते तलते इस तरह चपटे हो जाते हैं, एकदम गोल नहीं बनते। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जो यूजुअली सभी को आती है। दूसरी प्रॉब्लम, गुलाब जामुन तलते तलते फट जाते हैं। आप देख सकते हैं गुलाब जामुन किस तरीके का बना है, ऑलमोस्ट फट जाता है ये। तीसरी प्रॉब्लम, तलने तक तो ठीक है, जब आप उसको शुगर सिरप या चाशनी में डालते हैं तो देखते हैं कि स्किन उतरने लगी है। आप देख सकते हैं इस गुलाब जामुन उनकी स्किन किस तरह से उतर रही है, ब्राउन पार्ट जो है वो उतरने लग जाता है। और एक प्रॉब्लम आती है, ये गुलाब जामुन देखने में तो बिल्कुल ठीक है, पर देखिए ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही सॉफ्ट है। इतना सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, खाने में अच्छा भी नहीं लगेगा, थोड़ी सी तो स्टिफनेस रहनी चाहिए गुलाब जामुन में। ये गुलाब जामुन देखिए जो कि मेरी टेक्निक से बना हुआ है, इसमें कितना भी मैं रगड़ लूं इसका स्किन बिल्कुल नहीं उतरेगा। आज मैं आपको परफेक्ट रेसिपी देने जा रही हूँ। ये प्रॉब्लम्स आपको कब कहाँ कैसे आएंगी और ना आए इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताती रहूंगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मिल्क पाउडर, ग्राम्स में ये 250 ग्राम्स है। और अब हम इसमें डालेंगे मैदा, यहाँ पे मैंने बाइंडिंग के लिए मैदे का यूज किया है, और यहाँ पे मैंने 1/2 कप मैदा लिया है 1/2 कप, और ग्राम्स में ये 125 ग्राम्स है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, ध्यान रखिए बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं लेना है, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, जो आपको मार्केट में इंस्टेंट गुलाब जामुन मिक्स मिलता है वो यही मिक्स होता है, उसमें यही 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो मिक्स करके आपको दे देते हैं और आप उसका डो बना लेते हैं और आप बोल देते हैं इंस्टेंट गुलाब जामुन तो बन गए। तो आप इस मिक्स को किसी भी कंटेनर में मिक्स करके रख सकते हैं, जब आपका मन आए आप इसके गुलाब जामुन बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे घी, ये ऑप्शनल है, यहाँ पे मैंने 4 चम्मच घी का यूज़ किया है। अगर आपको नहीं डालना आप नहीं डालिए, ये अच्छा फ्लेवर देता है गुलाब जामुन को, इसलिए मैंने इसको डाला है। अब हम घी को मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर देंगे, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए बराबर से। अब हम इसका एक सॉफ्ट डो लगाएंगे, यहाँ पर मैंने डो लगाने के लिए दूध लिया है 1/2 कप, और इसको अब हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसका एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि दूध को एकदम से सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालकर ही आपको इसका एक सॉफ्ट डो लगाना है। आपको ये डो लगाते हुए मेजरमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है, थोड़ा भी मेजरमेंट ऊपर नीचे हुआ तो गुलाब जामुन ठीक नहीं बनेंगे, इसलिए मैं आपको मेजरमेंट एक बार दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है और मैदा लिया है मैंने 1/2 कप, और इसमें मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है, यही 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुए तो गुलाब जामुन खराब होने का चांस रहता है। यहाँ पर डो लगाने के लिए 1/2 कप मिल्क पूरा यूज हो गया है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि आपको डो को कितना सॉफ्ट रखना है, एक बार आप इसको ध्यान से चेक कर लीजिए कि डो कितना सॉफ्ट होना चाहिए। अब डो अच्छे से लग गया है, अब हम इस पे घी लगाकर इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम डो को चेक कर लेते हैं। अब हम इसको बहुत अच्छे से और नीड करेंगे, हमें इसको बहुत अच्छे से गूंथना है। यहाँ पर मैंने एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, अब उस पे हमें इसको एक सॉफ्ट डो होने तक गूंथना है। अगर इस टाइम पर आपका डो थोड़ा भी ड्राई हो जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क सकते हैं और उसको एक सॉफ्ट डो बना सकते। अब डो अच्छे से लग गया है, अब हम इसके गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पेड़े तोड़ लिए हैं, अब हम इसको एक राउंड शेप दे देंगे और गुलाब जामुन बनाएंगे। अगर आप पहली बार गुलाब जामुन बना रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि एकदम छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाएं, बिकॉज जब हम इनको तलते हैं तो ये फूल के बहुत बड़े हो जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका डो ड्राई नहीं होना चाहिए, इसलिए डो को ढक दीजिए, और अगर आपका डो ड्राई है तो आप उसमें हल्का सा पानी का छिड़काव दे सकते हैं। गुलाब जामुन में क्रैक्स नहीं होने चाहिए, एकदम चिकने गुलाब जामुन होने चाहिए। सारे गुलाब जामुन बनके बिल्कुल तैयार हैं, और ये इतने डो से 21 से 22 गुलाब जामुन बने हैं। अब हम चाशनी बना लेते हैं। यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी चीनी ली है। अब इसमें हम 2 कटोरी ही पानी डालेंगे, जितना चीनी उतना ही पानी डलता है, और गैस को ऑन कर देंगे। और अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारी चीनी घुल ना जाए। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर का यूज किया है, और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा केसर, और चाशनी को पकाएंगे। हमें एक उबाला आने तक ही पकाना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। यहाँ पे हमें चाशनी को बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना, अगर चाशनी गाढ़ी होगी तो गुलाब जामुन के अंदर तक नहीं जाएंगे। तो बस हमें एक उबाला देना है और चाशनी को चीनी घोलने तक ही पकाना है। अब हमारी चाशनी बन गई है, एक उबाला
आ गया है और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं गुलाब जामुन बनाते हुए वो इसी स्टेज पर आती हैं। तो चलिए गुलाब जामुनों को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। आप सबको शिकायत रहती है कि गुलाब जामुन तलते हुए फट क्यों जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने तेल में गुलाब जामुन डाला तो उसमें बबल्स नहीं आए, बिल्कुल भी कोई झाग नहीं आई। ऐसा इसलिए होता है कि तेल हमारा गरम नहीं है। अगर आप इतने कम गरम तेल में गुलाब जामुन तलेंगे तो आपके गुलाब जामुन फट जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गुलाब जामुन फट गया है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि तेल ठीक से गरम होना चाहिए गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस कढ़ाई में गुलाब जामुन डाला बबल्स या झाग ऐसे जल्दी जल्दी आने लग गए। इसका मतलब है कि तेल बहुत ज्यादा गरम है। अगर आप ऐसे गरम तेल में गुलाब जामुन फ्राई करेंगे तो उनके ऊपर की जो स्किन होती है, ऊपर की जो होती है, वो जल्दी से ब्राउन कलर आ जाता है। हमें लगा है कि गुलाब जामुन अच्छे से पक गए होंगे पर उनकी ऊपर की स्किन ऊपर से फर्म्ड नहीं होती, थोड़ी सी कच्ची होती है। इसलिए जब आप ये गुलाब जामुन शुगर सिरप में डालते हैं तो स्किन उतरने लगती है। तो गुलाब जामुन बनाते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अक्सर हम सबके घरों में नॉनस्टिक कढ़ाई या पैन होता है और हम लोग सोचते हैं कि हम इसमें कम तेल में गुलाब जामुन फ्राई कर लेंगे, पर जब भी हम ऐसा करने जाते हैं तो हमारे गुलाब जामुन गोल नहीं बनते, वो एकदम फ्लैट हो जाते हैं। जब भी आप गुलाब जामुन बनाइए तो ये ध्यान रखिए कि गुलाब जामुन का 3/4 हिस्सा तेल के अंदर होना चाहिए, तभी गुलाब जामुन गोल बनेंगे। अगर आपने कम तेल का इस्तेमाल किया तो आपके गुलाब जामुन गोल नहीं बनेंगे, तो ये बात का ध्यान रखिए। अब हम आ जाते हैं गुलाब जामुनों को परफेक्ट टेम्परेचर पे फ्राई करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने गुलाब जामुन डाला बबल्स एकदम धीरे धीरे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तेल एकदम परफेक्ट टेम्परेचर पे है और हमें इतना ही गर्म तेल रखना है। यहाँ पर तेल ना तो बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है। इसी तरीके से अब मैं सारे गुलाब जामुन डाल दूंगी और अब हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक स्पून लिया है, उसकी टेल से बैक साइड से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और हिला रही हूँ। ये ध्यान रखिए जब भी आप गुलाब जामुन तो उसको आप लगातार चलाते रहें किसी भी स्पैचुला की हेल्प से। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गुलाब जामुन नीचे लग जाएंगे और हर तरफ से अलग अलग कलर आएगा। अब गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इन पर। अब हम इनको चाशनी में डाल देते हैं। हम गर्मा गर्म गुलाब जामुनों को चाशनी में डाल देते हैं। यहाँ पे आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि गर्मा गर्म गुलाब जामुन ही हम चाशनी में डालेंगे, हमें बिल्कुल वेट नहीं करना, गुलाब जामुन ठंडे नहीं होने देने। और साथ ही चाशनी भी हमारी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, उबलती भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप उबलती हुई चाशनी में गुलाब जामुन डालेंगे तो आपके गुलाब जामुन बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे, उनमें बिल्कुल भी स्टिफनेस नहीं रहेंगी। अब हम गुलाब जामुनों को 2-3 घंटे के लिए ढक के रख देंगे ताकि चाशनी पूरे अंदर तक गुलाब जामुनों में चली जाए। 2-3 घंटे हो गए हैं, अब हम गुलाब जामुनों में चाशनी अच्छे से भर गई है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने गुलाब जामुनों को 2 बाउल्स में निकाल लिया है। एक बाउल में लाइट कलर के गुलाब जामुन है और एक बाउल में डार्क कलर के। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह के गुलाब जामुन बना सकते हैं, हल्के रंग के या फिर डार्क कलर के। मैंने यहाँ पे दोनों तरह के बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपसे एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करी है जिसको आप इंस्टेंट बना सकते हैं। आई होप मैंने अपनी तरफ से सारे पॉइंट्स क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करी है। तो आप जब भी गुलाब जामुन बनाइए तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।